हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कि अल्ट्रासोनिक डिजिटल स्केल कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए हमें ये कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ठीक है। ये जम्पर वायर्स, मिनी ब्रेड बोर्ड, एक स्केल और आर्डिनो यूनो डेवलपमेंट बोर्ड विद केबल, ठीक है। तो हम अपने कंपोनेंट्स प्लेस कर लेते हैं और इसके कनेक्शंस कर लेते हैं। कनेक्शंस के लिए आप स्कीमेटिक डायग्राम भी देख सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये कनेक्शंस हम अब कर लेते हैं, आर्डिनो से कनेक्ट कर लेते हैं हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो पावर सप्लाई है वो सही से कनेक्ट करना है, मींस ग्राउंड को पॉजिटिव और पॉजिटिव को ग्राउंड से नहीं करना है, रिवर्स कनेक्शंस नहीं करने हैं, ध्यान से कनेक्शंस करने हैं, ठीक है। तो बेसिकली चार पिंस होते हैं हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर्स में, दो हमारे पावर सप्लाई के लिए ग्राउंड और VCC, और दो हमारे सिग्नल्स के लिए होते हैं जिसमें एक ट्रिगर और एक इको पल्स होती है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम है, देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। इसमें सबसे पहले हमने लॉन्ग डेटा टाइप का ड्यूरेशन एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। फिर इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल लिया है, फिर एक बाइट डेटा टाइप का एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएबल है। अच्छा, ये जो ट्रिगर इज इक्वल टू 8 है, ये हमारे पिन नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम ये पिन नंबर्स को नेम दे दिया है बेसिकली, तो हम ये यूज़ ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद सीरियल डॉट बिगिन जो है वो हमारे डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। तो 9600 उसका बॉड रेट है, यानी बिट्स पर सेकेंड। इसके बाद डिजिटल राइट ट्रिगर लो डिले माइक्रो सेकेंड टू, ये जो तीन कमांड्स है ना, ये क्या करेंगे कि ये हमारे एक पल्स जनरेट करेंगे, ठीक है। वो पल्स क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाएगा और वहाँ से रिवर्स बाउंस बैक होगा, ठीक है। तो जब वो बाउंस बैक होगा तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि बाउंस बैक होने में कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन डिवाइडेड बाई 58 कैसा आया, ये मैंने नीचे कमेंट्स में दे रखा है। स्पीड ऑफ साउंड इज, जैसे आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, 340 मीटर पर सेकेंड। 333 भी लेते हैं, 334 भी लेते हैं। तो अच्छा, अगर इसको रिवर्स करेंगे और उसको मीटर को सेंटीमीटर में और सेकेंड्स को माइक्रो सेकेंड्स में चेंज कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 29 माइक्रो सेकेंड्स पर सेंटीमीटर, यानी 29 माइक्रो सेकेंड लगते हैं साउंड को 1 सेंटीमीटर को कवर करने के लिए। और क्योंकि एक बार साउंड जा रही है और वापस आ रही है तो टाइम जो है वो डबल वाला कैलकुलेट हो रहा है डिस्टेंस के लिए, ठीक है, यानी डबल डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। तो उसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 29 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 58 में। जैसे कि आपको अब ये वैल्यूज़ दिख रहे हैं, मैं थोड़ा पास ले जाता हूँ इसको, फिर देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। और ये वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, 8 से 7 और अब 6, और ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है। बेसिकली जो इसकी मिनिमम रेंज है वो डिपेंड करती है आपके सेंसर पे कि वो सेंसर कितना कैपेबल है कम से कम रेंज के लिए। नॉर्मली जो अल्ट्रासोनिक सेंसर होते हैं वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक वर्क करते हैं। उसके पास अगर आप लेके जाते हो तो वो सही रीडिंग नहीं देंगे, मतलब अगर आप 1 सेंटीमीटर पे रखते हो तो वो दिखाएगा आपको 5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, मिनिमम रेंज तक ही रखना है, 2 से 3 सेंटीमीटर तक आप मान सकते हैं, 3 सेंटीमीटर तक कर लेगा वो, 3-4 सेंटीमीटर, ठीक है। मैक्सिमम होता है 400 सेंटीमीटर तक होता है, कुछ का ज़्यादा होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आप अप टू 50 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद कुछ सिग्नल्स की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हो सकता है आपके साउंड जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से भी टकरा के आए, तो आप जो है लॉन्ग डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट्स को छोड़ दें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ गेन करते रहें नॉलेज को, ठीक है। ओके, बाय बाय।